सात घाट है, सतवा का मिला के अठवा निकालता है। अच्छा, एक घाट पीने से बॉडी का कोई भी रोग रहेगा सब खत्म हो जाएगा। एक दिन से नहीं 42 दिन पीना पड़ता है। कीचड़ लपेट करके जो इस कुएं के साफ पानी से नहा लेता है उसे कैसे भी चर्म रोग हो, सफेद रोग हो, वो सारे ही दूर हो जाते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज दर्शन कराने वाले हैं आपको हम महामृत्युंजय भगवान के। जी हाँ, जिसे मृत्यु विजय प्राप्त कर ली उनका नाम है महामृत्युंजय। आज दर्शन करवाते हैं आपको महामृत्युंजय में क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आज चल रहा है सावन का महीना और एक में दर्शन पूरे होंगे हमारे महादेव के अलग अलग मंदिरों में। सावन के महीने में हर जगह श्रृंगार होते हैं, हरियाली श्रृंगार चलते हैं, तो बिना देरी के आए चलते हैं आपको दर्शन कराते हैं महामृत्युंजय महादेव के। दर्शन आप सभी ने कर लिए होंगे, देख सकते हैं कि महादेव के सभी मंदिरों में अभी चल रहा है हरियाली श्रृंगार क्योंकि चल रहा है सावन का वो पाक महीना, पवित्र महीना, और महादेव के सभी मंदिरों में अभी श्रृंगार चल रहा है। मैं आ चुकी हूँ महामृत्युंजय मंदिर में। कहते हैं यहाँ मृत्यु पर भी विजय प्राप्त किया सकती है, इतना बड़ा ये महामृत्युंजय मंदिर का अर्थ होता है। मंदिर के अंदर ये हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर। जय श्री राम। और देखिए यहाँ पर कई सारे गुरुजी महाराज बैठे हैं, पंडित जी लोग बैठे हैं रुद्राभिषेक कराने के लिए क्योंकि मंदिर में रुद्राभिषेक का बहुत ही महत्व होता है। आप जानते हैं महामृत्युंजय का अर्थ ही होता है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। तो ये है महामृत्युंजय मंदिर हमारे बनारस में जो कि दाल नगर में स्थित है। कितने के मिनट ठीक सामने अभी आरती भी चल रही है। यहाँ महादेव के इतने सारे मंदिर आपको एक साथ मिल जाएंगे। ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। देखो बनारस में आना हो तो इस मंदिर में आप ज़रूर आइएगा। महामृत्युंजय मंदिर कहते हैं ये क्योंकि आप जानते हैं कि जब इंसान मृत्युपरांत उसको महामृत्युंजय मंत्र ही उनको कानों में बोला जाता है। ये है मंदिर का कुछ महत्व। आइए आपको कुछ और बातें बताते हैं इन मंदिरों के बारे में। कैसे ये है पूरा मंदिर प्रांगण जो मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर प्रांगण है। पूरा संगमरमर से बना साफ सुथरा ये मंदिर है जो कि अपनी एक अलग छटा भी घेरता है। कैसे देख सकते हैं ये है मंदिर कुछ इस तरह से। मंदिर में महादेव के मंदिर के अलावा यहाँ पर शनि देवता भी हैं। यहाँ पर बजरंग बली और ये है हमारे शनि देवता। तो कई सारे मंदिर हैं महादेव के मंदिर में ही आप देख सकते हैं। ये है पूरा मंदिर का प्रांगण जो मैं आपको दर्शन करा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये है कुछ मंदिर का दृश्य और ये है धन्वंतरी कूप। कैसे आप देख सकते हैं ये धन्वंतरी कूप। कहा जाता है कि आयुर्वेद के महादेवता जो थे, महाज्ञाता जो थे, उन्होंने अपनी आयुर्वेद की पोटली ही, आयुर्वेदिक दवाइयों की पोटली ही इस कुएं के अंदर डाल दी। तब से ये कुआं का जो पानी है ना अति पवित्र हो चुका है, यानी कि औषधि युक्त हो चुका है। यहाँ कुएं का जो पानी पी लेता है कोई पेट की बीमारी होती है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर जाती है। आप देख सकते हैं इस पवित्र कुएं को दर्शन करिए आप धन्वंतरी कूप के। ये देखिए यहाँ पर जितने भक्त आते हैं बिना दर्शन किए, बिना यहाँ कुएं का पानी पिए नहीं जाते हैं क्योंकि पेट की जितनी बीमारियाँ होती हैं वो इस कुएं के पानी से ही ठीक हो जाती हैं। गैस देखिए भर के लोग ले भी जा रहे हैं अपने घर के, जो काफ़ी दूर दूर के हैं वो लोग भर के ले के भी जाते हैं। जहाँ जितने आप यहाँ पर रस्सियाँ देखने लगी हुई, इन सारी रस्सियों से बिल्कुल अलग अलग पानी आता है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे दर्शन करिए आप धन्वंतरी देखिए, औषधि युक्त है ये कुआं। देखिए ये है वो पावन धन्वंतरी कूप। इतनी सारी यहाँ पर रस्सियाँ लगी और हर कुएं से, हर रस्सी से बिल्कुल अलग अलग कुएं का पानी, अलग अलग तरीके का निकलता है।
ये आप देख सकते हैं। यहाँ भक्तगण पानी पी भी रहे हैं। महादेव कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। बढ़िया है, मुंह क्या खराब लग रहा है आपका? बढ़िया है सब। बढ़िया है ना, हाथ जो ऊपर आकर के हाथ दीजिए, स्माइल प्लीज। देखिए स्माइल खतरनाक वाली आपकी भैया आड़िया जन, कुछ मत बताइए आज कुएं का। धन्वंतरी को भगवानों के बैठ पे धन्वंतरी जाते समय अपना औषधि के पुतली डाल दी इसी में, और इसमें 7 घाट है, 7वां का मिला के 8वां निकालता है। अच्छा, एक घाट पीने से बॉडी का कोई भी रोग रहेगा सब खत्म हो जाएगा। एक दिन से नहीं 42 दिन पीना पड़ता है। वो यहाँ आके विश्वास है, श्रद्धा है, बोतल में भर के लेकर जाइए, आप प्रसाद के तौर पे पीजिए, बाबा का नाम लीजिए। धन्वंतरी कुप है, धन्वंतरी कुप के ठीक सामने ही आपको ये एक छोटा सा कुंड मिलेगा। ये आप कुंड देख रहे हैं, इस कुंड में जो भी आपको कीचड़ दिख रहा है, लोग कहते हैं कीचड़ लपेट करके जो इस कुएं के सांप पानी से नहा लेता है, उसे कैसे भी चर्म रोग हो, सफ़ेद रोग हो, वो सारे ही दूर हो जाते हैं। इतना महत्व है इस कुएं का, और ये कोई कथा कथित बात नहीं, ये सच्चाई है गाइस। ये आप देख सकते हैं, इस पवित्र कुप को देख सकते हैं आप, और कितने सारे भक्त जो आ रहे हैं बाहर बाहर से, वो यूं ही नहीं आते हैं, हर कोई जानता है इस कुप के बारे में, इस पवित्र पानी के बारे में। आप देख सकते हैं, मैंने भी बातें भी करवाई गुरुजी से, और यहाँ पर कितने सारे भक्तगण हैं जो कि सावन के इस पाक महीने में, पवित्र महीने में दर्शन करने के लिए हमारे बनारस में आ रहे हैं। कितने सारे जो चर्म रोगी हैं ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं, और जो नहीं आ पाते वो यहाँ का जल ले जाते हैं बोतल में भर करके और अपने मरीज को पिलाते हैं। ये यकीनन बात मानिए गाइस, ये बहुत पवित्र कुआं है, क्योंकि ये औषधि युक्त कुआं बन चुका है, क्योंकि जो भी लोग यहाँ दर्शन करेंगे यहाँ पानी जरूर पीते हैं। आप देखते हैं मेरे आगे से पीछे तक पूरा ही पूरा आपको मंदिर दिखाई देगा, हर तरफ यहाँ मंदिर मंदिर है, क्योंकि पूरा मंदिर वाला शहर बनारस है, तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर आपको दिखाई देंगे। लोग डॉक्टर की दवा कम खाते हैं, जितना यहाँ का पानी पीते हैं कि पानी से स्वस्थ हो जाते हैं। महादेव के अलग अलग नाम के अलग अलग मंदिर हैं, जैसे श्यामेश्वर महादेव, शिलादेश्वर महादेव, तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे महादेव के हैं। सकते हैं मंदिर से हम निकलते हैं यहाँ बाहर, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह रुद्राभिषेक सावन के महीने में कराया जाता है। आपको यहाँ पर बहुत सारे गुरुजी महाराज मिल जाएंगे जो कि रुद्राभिषेक कराते हुए दिखेंगे। ये देखिए आप, ये है पूरा मंदिर का व्यू। यहाँ पर एक नहीं कई सारे महादेव के नाम हैं, जैसे कि यह है वृद्ध कालेश्वर महादेव। ये पूरा मंदिर प्रांगण का व्यू है गाइस, आप देख सकते हैं, ये है पूरा मंदिर का व्यू। यहाँ पर एक नहीं आपको सैकड़ों पंडित जी मिलेंगे जो कि आपको रुद्राभिषेक महामृत्युंजय पाठ कराते हुए मिल जाएंगे। भगवान की जय। महामृत्युंजय मृत्यु से निवारण करने वाला है। मृत्यु कोई भी व्यक्ति रोग ग्रस्त है या कोई पीड़ा से ग्रस्त है, उसके लिए महामृत्युंजय करने से उसको बहुत जल्दी शीघ्र लाभ मिलता है और अपमृत्यु से निवारण होता है, और भगवान की कृपा बहुत जल्दी होती है। और यहाँ धन्वंतरी कुप भी है महामृत्युंजय भगवान के यहाँ, उसका जल पीने से भी बहुत से पेट के रोग शांत होते हैं, बहुत से निवारण होता है। ऐसा बाबा मृत्युंजय भगवान की कृपा है यहाँ पर, और बहुत अच्छे से यहाँ पर सब ब्राह्मण लोग करते हैं, और किसी से भी यहाँ पर आने से रोग दोष व्याधि सब नष्ट हो जाते हैं, और जल्दी से लोगों को सुख शांति मिलती है। सुबह 4 बजे खुल जाता है, और सुबह 4 से 5:30 के बीच में सुबह की आरती होती है, उसके बाद फिर दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है यहाँ पर, उसके बाद मध्याह्न में फिर भोग आरती होती है, उसके बाद फिर संध्या आरती होती है रात्रि 11:30-12 के समथिंग। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। Thank you.
हम अब निकल रहे हैं मंदिर से बाहर। मैंने पूरा वीडियो बना लिया और वीडियो में काफ़ी सारा जानकारी मुझे मिली यहाँ के बारे में। आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव। जय महाकाल। महामृत्युंजय बाबा की जय हो।